Find equation of all tangents to this curve y equal to cos x plus y where this condition is given. ये condition जो है ये सबसे important बात है that are parallel to x plus 2y equal to 0. तो मान ले कि हम जैसे पहले करते थे ये आपका कोई curve है, आप exact curve के figure पे ना जाएं और इस curve पे यहाँ पे कोई contact point है alpha comma beta, इस पे जो tangent है ये जो tangent है आपकी ये टेंजेंट पैरेलल है, किसको पैरेलल है, एक लाइन को पैरेलल है एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू जीरो को. तो इसका मतलब है मान लो ये लाइन की इक्वेशन एल और टेंजेंट को हम थोड़ी देर के लिए कहते हैं कैपिटल टी, तो टी इज पैरेलल टू एल, टी और एल आपस में पैरेलल हो गए. पर टी टेंजेंट का स्लोप और एल का स्लोप इक्वल होगा, अगर टी पैरेलल है एल को तो therefore slope of t is equal to slope of l. बिल्कुल क्लियर है आपको, ऐसा जैसा करते हैं हम यूजुअली, तो स्लोप ऑफ t इज इक्वल टू स्लोप ऑफ l. अब t का स्लोप निकालना है मतलब टेंजेंट का स्लोप निकालना है, तो कर्व जो है वन इससे dy by dx निकालना पड़ेगा पहले. तो डिफ्रेंशिएटिंग ये क्यों करना चाह रहे हैं हम, तो ये करना चाह रहे हैं हम टू फाइंड स्लोप ऑफ टी, ये प्रोसेस जो हम कर रहे हैं टू फाइंड स्लोप ऑफ टी डिफरेंशिएटिंग वन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वन को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं. तो वाई का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू राइट साइड का डिफ्रेंशिएशन डी डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई. अब राइट हैंड साइड को डिफ्रेंशिएट करते हैं सिस्टमेटिकली, तो डी वाई बाय डी एक्स डिफ्रेंशिएशन ऑफ cos of x plus y will be minus sin x plus y, फिर x plus y का डिफ्रेंशिएशन 1 plus dy by dx अंदर वाले फंक्शन का. अब इसको ओपन कर लें ताकि dy by dx की फाइनल वैल्यू आ पाए, तो ये हो जाएगा माइनस साइन x plus y माइनस साइन x plus y dy by dx, ओपन कर दिया dy by dx. अब dy by dx निकालना है तो इसको नेचुरली लेफ्ट साइड में ट्रांसफर करेंगे ताकि dy by dx एक तरफ हो जाए, तो ये हो जाएगा आपका dy by dx प्लस साइन ऑफ x प्लस y dy by dx इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ x प्लस y. अब dy by dx कॉमन, dy by dx कॉमन, तो dy by dx कॉमन 1 प्लस साइन x प्लस y इज इक्वल टू माइनस साइन x प्लस y. dy by dx की वैल्यू निकालने के लिए नेचुरली 1 अपॉन 1 प्लस साइन x 1 प्लस साइन ऑफ x प्लस y को डिनोमिनेटर में भेजेंगे. ये dy by dx है, अभी ये स्लोप नहीं है क्योंकि स्लोप तो हमें पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालना है और वो पर्टिकुलर पॉइंट है हमारे पास अल्फा बीटा, तो 1 प्लस साइन x प्लस y ये डेरिवेटिव है. लेकिन अब हम जिसको स्लोप कह रहे हैं अब वो स्लोप की बात आ गई, देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट अल्फा बीटा इज, वो क्या होगा, तो स्लोप होगा अब आपका ये डी वाई बाय डी एक्स एट अल्फा बीटा,
डी वाई बाई डी एक्स एट अल्फा बीटा, अब ये स्लोप निकल गया, तो माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन 1 प्लस साइन अल्फा प्लस बीटा। अब गिवन है कि डी वाई बाई डी एक्स अल्फा बीटा, डी वाई बाई डी एक्स अल्फा बीटा, ध्यान से देखिए, डी वाई बाई डी एक्स एट अल्फा बीटा, और इसका स्लोप इक्वल होगा। तो आप चाहें तो एल का स्लोप यहां निकाल भी सकते हैं, तो एल का स्लोप साइड में यह निकाल लेते हैं। देखिए एल का स्लोप कैसे निकालते हैं, तो एल का स्लोप यहां निकाल देते हैं, स्लोप ऑफ एल। स्लोप ऑफ एल निकालने के लिए अपन लगाएंगे तरकीब माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशियंट ऑफ वाई, माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशियंट ऑफ वाई, क्योंकि ये लाइन की इक्वेशन है, तो ये हो जाएगा -1/2। तो ये स्लोप ऑफ एल निकल गया। और टेंजेंट का स्लोप जो होता है वो क्या होता है, वो होता है डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स एट अल्फा बीटा। अब ये दोनों इक्वल है, तो ये इक्वल है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं इज इक्वल टू -1/2, इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स की जगह लिख देता हूं -1/2, माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन 1 प्लस साइन अल्फा प्लस बीटा। और यहाँ कोट करते हैं, क्या कोट करते हैं, सिंस टी इज पैरेलल टू एल, देयर फोर डी वाई बाई डी एक्स एट अल्फा बीटा इज इक्वल टू होगा -1/2 के, ये कोट कर दिया क्योंकि ये एल का स्लोप है -1/2। अब थोड़ा सिंप्लीफिकेशन है, माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे, क्रॉस कर देंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस साइन अल्फा प्लस बीटा, और 2 उधर चला गया, तो ये हो जाएगा 2 साइन अल्फा प्लस बीटा इम्प्लाइज। अब साइन अल्फा प्लस बीटा को उधर भेजते हैं आप, तो वो जाएगा 1 इज इक्वल टू साइन अल्फा प्लस बीटा, तो साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 हो गया, साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1। इसको दे देते हैं हम नंबर 2। अब एज यूजुअल जैसे हमेशा लिखते थे, या देखिए आप कि अल्फा कॉमा बीटा किस पे लाया करता है, अल्फा कॉमा बीटा कर्व पे भी लाया कर रहा है, ये कर्व की इक्वेशन है, वाई इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई, जिसको हमने नंबर 1 दिया है, तो हम अल्फा बीटा 1 में भी रखेंगे। तो यहां लिखेंगे सिंस अल्फा कॉमा बीटा लाइंग ऑन कर्व 1, और ब्रैकेट में चाहे तो आप इक्वेशन भी लिख दें, वाई इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई, देयर फोर इट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन, देयर फोर इट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन, इस इक्वेशन को वो सेटिस्फाई कर लेगा। जब इस इक्वेशन को वो सेटिस्फाई करेगा तो यह आ जाएगा बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा प्लस बीटा, विच इंप्लाइज कॉस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बीटा। ये नंबर 4 3 है, लेट दिस बी नंबर 3। अब आप ध्यान से देखो कि इक्वेशन 2 और 3 को सॉल्व करना है, तो 2 और 3 को सॉल्व करने का एक सबसे अच्छा मेथड है कि आप स्क्वायर करके दोनों को ऐड कर दो। तो एडिंग स्क्वायर्स ऑफ 2 एंड 3, 2 एंड 3, तो 2 एंड 3 के स्क्वायर्स को ऐड करना है, तो 2 का स्क्वायर ऐड करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा 3 का स्क्वायर, और राइट साइड में आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा
आपको मालूम है मोस्ट पॉपुलर आइडेंटिटी ट्री वो की वन, वेरी गुड, वन प्लस बीटा स्क्वायर। तो दिस इम्प्लाइज वन माइनस वन जीरो, जीरो इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर, मीन्स बीटा इज इक्वल इक्वल टू जीरो, मीन्स बीटा इक्वल टू जीरो। तो बीटा की वैल्यू जीरो आ गई। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि बीटा की वैल्यू अगर जीरो आपने या वन में रख दी तो कुछ अलग वैल्यूज आएंगी, टू में रख दी तो कुछ अलग वैल्यूज आएंगी। तो ये एक डायलेमा वाली सिचुएशन है कि कौन से में रखें। तो आपको इतना तो मालूम है कि सेकंड और थर्ड दोनों को सेटिस्फाई करने वाली अल्फा की वैल्यूज आना चाहिए, अल्फा और बीटा की। तो वी शैल पुट बीटा इज इक्वल टू जीरो, तो बीटा इक्वल टू हम जीरो बीटा ऑन पुटिंग दोनों में रख देंगे। ऑन पुटिंग अभी तक ऐसा नहीं होता था, अभी तक आप किसी में भी रख देते थे तो काम चल जाता था। ऑन पुटिंग बीटा इज इक्वल टू जीरो इन इक्वेशन टू एंड थ्री, टू में भी रखेंगे और थ्री में भी रख देंगे। तो जब मैं टू में रखूंगा तो आप देखिएगा, टू में रखूंगा तो ये हो जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू वन है, तो हो जाएगा साइन अल्फा इज इक्वल टू वन। और थ्री में जब रख देंगे हम, तो थ्री है आपकी, थ्री भी आप देख लें एक बार, कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू बीटा, तो कॉस अल्फा प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो। ये आपके पास दो इक्वेशंस आ गई। अब इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको ये दिया हुआ है कि एक्स कहाँ है। आप शुरू में क्वेश्चन में आप नोटिस करो एक्स कहाँ पर दिया हुआ है, एक्स माइनस टू पाए से पाए है, और एक्स का जो काम है यहाँ पर वो अल्फा कर रहा है। तो अल्फा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी वो इम्पॉर्टेंट चीज है, उसको निग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो अल्फा की वैल्यू आप ये दिमाग में बिठा लें यहाँ पर कि अल्फा की वैल्यू माइनस टू पाए से लेके 2 पाए तक होगी। ये एक अपने दिमाग में आप बिठा के रखें कि अल्फा की वैल्यू माइनस टू पाए से लेके 2 पाए तक होना चाहिए। तो माइनस टू पाए से 2 पाए, तो साइन अल्फा वन कहाँ कहाँ होता है इस पूरे इंटरवल में, माइनस टू पाए से 2 पाए, फाइव पाई बाय टू, फाइव बाय बाय टू। टू तो एक वैल्यू है, लेकिन अपने को इसका ग्राफ जो है ना पता होना चाहिए। जब तक अपने को इसका ग्राफ नहीं पता होगा तब तक हम इसका वैल्यू नहीं बता सकते। तो मैं आपको देखो साइन अल्फा का ग्राफ बना के बताता हूँ। ये साइन अल्फा का ग्राफ है, ये यहाँ गया, ये पाए हो गए, पाए बाय टू, ये पाए है, ये पूरी साइकिल कंप्लीट हुई, यहाँ पे 2 पाए हो गया, और पीछे की साइड में ऐसे ही जाएगा, ये यहाँ जा करके लगभग यहाँ जा करके ये 2 पाए हो जाएगा, -2 पाए हो जाएगा। एक सेकेंड, ये यहाँ जाके यहाँ पर -2 पाए हो जाएगा। देखिए आप, ये -2 पाए है, ये पूरी साइकिल हो गई, और ये यहाँ पे हो गया ये +2 पाए। अब हमने को ये देखना है कि ये वन कहाँ कहाँ होता है। तो वन ये यहाँ पे होता है, देखिए आप, ये यहाँ पे वन होता है, वाई की वैल्यू वन यहाँ पे होती है, तो ये वन यहाँ पे होता है। ये पॉइंट आपको मालूम है जीरो से लेके ये पाई बाय टू तक का है, तो यहाँ पे हो गया आपका पाई बाय टू। अब और वन यहाँ पे भी हो रहा है, आप ये यहाँ पे भी नोटिस कर लो, वन यहाँ पे भी हो रहा है। तो यहाँ पर ये पॉइंट है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा पोर्शन आपका जीरो से लेके -π है, और माइनस थ्री फाइव बाय टू। -π/2, -π में ऐड हो जाएगा, तो ये वाला पॉइंट आपका -3π/2 हो जाएगा। तो साइन अल्फा जब वन होगा तो अल्फा की दो वैल्यूज होंगी, वो अल्फा की दो वैल्यूज कौन कौन सी होंगी, तो वो इस ग्राफ से आपने निकाल दी। एक अल्फा की होगी पाई बाय टू, एक अल्फा की होगी -3π/2। अब कॉस अल्फा इक्वल टू जीरो है, तो इसका भी ग्राफ जरा ड्रॉ करके देख लेते हैं कि इसका ग्राफ कैसा ड्रॉ करके बनता है। सर हाँ बोलो। सर -3π/2 की होगी, -π/2 होगी ना। नहीं ये देखो बेटा, ये अल्फा की वैल्यू, ये वन कहाँ हो रहा है ग्राफ पे नोटिस करो आप, ग्राफ कहाँ है, यहाँ पे वन है ना, ये पीक कहाँ दे रहा है इसकी, ये जो पीक वैल्यू है ये वन है, तो ये यहाँ से यहाँ पीछे की साइड में है, ये ओ है जीरो, ये वाला पोर्शन हो गया -π, -π में -π/2 जुड़ा। इधर तो डायरेक्ट मिल गया, देखो इधर इधर डायरेक्ट मिल जाएगा, इधर कौन सा पॉइंट है, ये π/2, तो इधर डायरेक्ट है।
अभी एक कॉस का देखो तो और थोड़ा सा विजन अपना और अच्छा क्लियर हो जाएगा। कॉस का देखते हैं अपन, तो कॉस वाले में आपका विजन बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कॉस वाला भी आपको मैं बताता हूँ, तो कॉस से और थोड़ी सी क्लैरिटी आएगी। कॉस का ग्राफ देखिए आप, ये कॉस का ग्राफ बनाते हैं। वो बनता तो वो कर्व जैसे, ये वेव जैसा, पर कॉस में क्या बात रहती है कि कॉस 0 1 रहता है, तो ये यहाँ से चालू हो जाएगा, यहाँ से ऐसे गया और ऐसे जाके यहाँ पे रुक गया। ये देखो, ये हो गया आपका पाई बाय टू। पाई बाय टू में पाई जोड़ा तो 3 पाई बाय 2, और ये आपका आ गया यहाँ पे, देखो यहाँ पर आ गया आपका 2 पाई। पीछे भी ले जाओ इसको, तो पीछे यूं जाता है, तो यहाँ पे जाता है, तो ये यहाँ पे हो जाता है, ये -π/2 है, ये -3π/2 है, और ये वाला पोर्शन है -2π। अब आप ये देखो कि इसने पीक कब कब अटेन किया, पीक सॉरी जीरो कब कब है, कॉस अल्फा 0 लिखा ना यहाँ पे, कॉस अल्फा 0, तो कॉस अल्फा 0 कब हुआ, इस वाले पॉइंट पे 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 हुआ। तो इससे अल्फा की वैल्यू 4 आ गई। कौन कौन सी 4 वैल्यूज आ गई, कॉस अल्फा इज इक्वल टू 0, तो अल्फा की वैल्यू हो गई एक तो -3π/2, दूसरी हो गई -π/2, तीसरी वैल्यू हो गई इसकी π/2, और आखिरी वैल्यू हो गई 3π/2। ये प्रॉब्लम है कि अगर किसी स्टूडेंट ने सेकेंड की जगह थर्ड में रख दी होती वैल्यू, तो थर्ड में उसको ऐसी 4 वैल्यूज मिल जाती है, ये 4, और किसी ने फर्स्ट में सेकंड में रखी होती तो उसको 2 ही मिलती। तो हमको क्या करना है, तो हमको कोई खास काम नहीं करना, जो दोनों में कॉमन है, तो जो दोनों में कॉमन है उसको अपने को निकाल लेना है। तो दोनों में कॉमन कौन सी है, एक तो ये अल्फा पाई बाय टू है, यहाँ पे भी पाई बाय टू है, और जो दूसरी वैल्यू है -3π/2, वो -3π/2 है। और ये जो दोनों वैल्यूज हैं, ये दोनों वैल्यूज को अब हम रिजेक्ट कर देंगे। कौन कौन सी दोनों वैल्यूज को, एक तो -π/2 और 3π/2, ये दोनों वैल्यूज रिजेक्ट करेंगे। क्यों रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि ये दोनों कॉमन वैल्यूज नहीं है। तो -π/2, 3π/2 विल बी रिजेक्टेड, ये रिजेक्ट हो जाएंगी की नहीं जाएंगी, विल बी रिजेक्टेड बिकॉज दे आर नॉट कॉमन वैल्यूज, या दीज आर नॉट कॉमन वैल्यूज, ये दोनों कॉमन वैल्यूज नहीं है। तो अपने पास कॉमन वैल्यूज, ये दोनों कॉमन वैल्यूज नहीं है, तो अपने पास जो पॉइंट्स आए, देयरफॉर द रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर, जो पॉइंट्स हमारे पास आ गए बच्चों, वो पॉइंट्स ये दोनों एक्सेप्टेबल है। अल्फा के कौन से, एक पाई बाय टू और -3π/2, पर बीटा फिक्स है, बीटा कौन है 0, तो पॉइंट्स आर अल्फा कॉमा बीटा। तो पॉइंट्स आपके हो जाएंगे, एक तो जाएगा पाई बाय टू कॉमा 0, दूसरा पॉइंट हो जाएगा आपका -3π/2, 0। ये अपने 2 पॉइंट्स आ गए, लेकिन क्वेश्चन में अपने को इसमें टेंजेंट की इक्वेशन भी निकालनी है। देयरफॉर इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट्स एट दीज पॉइंट्स, एट दीज पॉइंट्स, इन पॉइंट्स पे टेंजेंट की इक्वेशन, तो कैसे निकलेगी इन पॉइंट्स पे टेंजेंट की इक्वेशन, तो फॉर्मूला लगेगा वाई माइनस बीटा डी वाई बाई डी एक्स एट अल्फा बीटा एक्स माइनस अल्फा। अब आपके पास अल्फा बीटा कौन सा है, एक तो है आपका पाई बाय टू 0 और दूसरा है आपका -3π/2 0, तो आप पहले तो हेडिंग डाल दें चाहे तो पाई बाय टू 0 पे, एट पाई बाय टू 0, इस पॉइंट पे निकालना है, तो इस पॉइंट पे निकालना है, तो इक्वेशन क्या बनेगी अपनी, वाई माइनस 0। और आपको नोटिस किया होगा आपने कि जो ये इसकी वैल्यू है, किसकी वैल्यू, ये डी वाई बाई डी एक्स, ये जो आपकी इसकी वैल्यू है डी वाई बाई डी एक्स अल्फा बीटा,
इसकी वैल्यू कितनी है, 1 है, ये आपको मालूम है। ऊपर हमने लिखा है कि dy बाय dx अल्फा बीटा कितना है, l का स्लोप और इसका स्लोप बराबर ही है, इसकी वैल्यू है -1/2। तो ये y -1/2 हम डायरेक्ट लिख लेंगे, यहाँ पे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पे लिख दो आप -1/2 x -π/2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन, जो कि कोई बहुत बड़ी चीज अब आपके लिए है नहीं। -x + π/2, तो -x को उधर भेज दो तो थोड़ा ठीक दिखने लगेगा। x + 2y = π/2, चाहे तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें, वरना ये आपका आंसर हो चुका है। तो ये टेंजेंट आ गई आपके पास x + 2y = π/2, ये एक टेंजेंट आ गई π/2, 0 पे। अब हमें एक और टेंजेंट निकालनी है, कौन से पॉइंट पे निकालनी है टेंजेंट, तो ये आ गई फर्स्ट टेंजेंट, टेंजेंट एक टेंजेंट आ गई। अब दूसरा जो हमारा पॉइंट है बच्चों, वो वाला पॉइंट है एट -3π/2, 0, इस पॉइंट पे भी निकालनी है। तो इस पॉइंट पे निकालनी है तो इस पॉइंट के लिए भी वही मेथड है, अब तो बिल्कुल सिंपल है। y -0 -1/2 x -3π/2, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा -2y = -x, -(-) अंदर प्लस हो गए, बाहर का माइनस फिर मल्टीप्लाई तो माइनस हो जाएगा। सारी चीजों को लेफ्ट साइड में ले आओ तो सब प्लस हो जाएंगी, तो ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी x + 2y + 3π/2 = 0। तो ये आपकी दूसरी टेंजेंट आ गई।